करता है। हमको तो बकायदा लोग सावधान करते हैं कि आप सचेत हो जाओ, मैं तो सही शक्तिकांत महतो के साथ तुम्हारा भी कभी भी सूट हो सकता है। हम बोले सुनो, हम कोई शरीर नहीं है, विचार है, और विचारधारा पूरे झारखंड के कोने कोने तक पहुंच गई। हमारे टाइम 10 में 9 को बच्चा बोलता था हम फौजी बनेंगे, बचपन से देखा है गदर ना, गदर बचपन से देखा है, कह दिया है हमको। अभी लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार फिर से बोलो, तुम जो बात बोला एक बार फिर से बोलो। आप इलेक्शन लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। जो लोग सवाल करते हैं उनको गंधा से बच्चा उत्तर दे रहा है, पक्का ना साथ है ना, साथ टूटेगा नहीं ना। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं रहो सुनो, क्योंकि नंबर 2 को लोग याद नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? अंतरिक्ष स्पेस यूरी गगरिन ना, राकेश शर्मा तो इंडियन क्या, यूरी गगरिन एक बार चेक कर लीजिए। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले यूरी गगरिन, चंद्रमा में जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी, ठीक है। आप ट्रेन से साथ में गए तो पिक्चर ले रहे थे, पहला कदम हिलेरी का पड़ा था, आपका हिलेरी को पहला गिर गया। आप झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार। अब चलिए रिपीट करते हैं, दूसरे राज्यपाल, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, चंद्रमा में जाने वाला दूसरा, अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा, पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाने वाला दूसरा, भारत का दूसरा कानून मंत्री, भारत का दूसरा गृह मंत्री, भारत का दूसरा प्रेसिडेंट, भारत का दूसरा प्राइम मिनिस्टर। क्या देखा, जब हम पहला का नाम गिना रहे थे बकायदा सब बोल रहे थे बाबूलाल मरांडी, प्रभात कुमार, डॉक्टर अंबेडकर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे ही दूसरा का नाम लिए सब खामोश है। दूसरा को कोई याद नहीं करता है भैया, याद रख लेना, दूसरा को कोई याद नहीं करता, सेकेंड नंबर को कोई याद नहीं करता है। बताइए, वो भी तो, अरे वो भी तो राज्य का दूसरा राज्यपाल है भाई, जिम्मेवार पद पर है, लेकिन आप याद ही नहीं करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, जिंदगी में जो भी बनना, जो भी करना, जब जिंदगी में आए हो दुनिया में, ऐसे मत चले जाना, ताकि जाना तो एक दिन सबको है, ऐसे मत चले जाना, कुछ करके जाना, और किसी एक क्षेत्र में खुद को अव्वल बना के जाना, खुद को नंबर 1 बना के जाना। नंबर 1 भैया, जो भी बनना है, जो भी बनना है नंबर 1 बना। गुंडा बन जाना मतलब गलत, मतलब गुंडा बन के किसी नारी की आबरू का अपमान मत करना, गुंडा बनके किसी किसान के खेत को मत छीन लेना, गुंडा बनके किसी मजदूर की पगार को मत छीन लेना। यदि किसी के साथ अन्याय हो वहां उसका सामना करना, और उस स्थिति में अगर गुंडा बनना पड़े तो बन जाना। वैसे भी जमीनें हमारी माफिया कहां पे गिन लीजिए, सबसे ज्यादा झरिया और बागवाना में माफिया है, कोई लाती हमको डर नहीं लगता है। हमको तो बकायदा लोग सावधान करते हैं कि आप सचेत हो जाओ, मैं तो सही शक्तिकांत महतो के साथ तुम्हारा भी कभी भी सूट हो सकता है। हम बोले सुनो, हम कोई शरीर नहीं है, विचार है, और विचारधारा पूरे झारखंड के कोने कोने तक पहुंच गई। सकल है एक चोरी दौड़ के, मैं तो मटिया कोड़ के, हम लोग नहीं सुने हैं, चोरिए दौड़ के, मैं तो मटिया कोड़ के। तो भाई इसका मतलब क्या है समझा देते हैं, कि टड़िया दौड़ के मतलब क्या है और मटिया कोड़ के मतलब क्या है। मटिया कोड़ के मतलब है, आज से मैं जब 1970 का टाइम था, हमारे जो पूर्वज थे, खासकर मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरा नाना का जीजा जी, उसका 2 भाई, मेरा नाना का अपना भाई, लगभग 10 आदमी को हम जानते हैं। वो लोग मिट्टी काटने गया था,
मिट्टी समझ रहे, नरेगा कटवा रहा है, वो लोग मिट्टी काटने गया था, झोड़ा लेके, झोड़ा समझ रहे, गैता समझ रहे, गैता और झोड़ा लेके वो लोग मिट्टी काटने गया था, मिट्टी काटते काटते उन लोग को टाटा और बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लगा था, इसीलिए बोला गया मटिया कोड़ के, यानी मिट्टी काटते काटते। आज भी हर गांव का इतिहास होगा, पता नहीं आपके चासनाला और कांडरा क्षेत्र का क्या इतिहास है, मैं जहां रहता हूं वहां का इतिहास है कि लोग मिट्टी काटने गए थे, मिट्टी काटते काटते उनको गवर्नमेंट का जॉब सरकारी नौकरी हो गया था, इसीलिए कहा जाता है कि मटिया फोड़ के और एक कड़िया जोड़ के। ये तो सभी जानते हैं। आज आप फिर चले जाए पीछे, आज भले लोग वीडियो बन रहे, सीओ बन रहे, आज भले लोग आईएएस आईपीएस, फिर आईपीएस अभी झारखंड में, आज भले लोग डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, टीचर बन रहे, लेकिन आप अपने गांव का इतिहास तो पता कीजिए। सबसे पहला नौकरी अगर आया होगा तो हवलदार चाहे चपरासी का आया होगा। आप अपने गांव को अगर किसी ने मेहनत से, बाकी कॉलफील्ड में बहुत सारे लोग नौकरी लिया, लेकिन अनुकंपा ने लिया, लैंड यूजर के नाम में लिया, बाप के बदले नौकरी लिया, जमीन के बदले लिया, लेकिन जो गाँव में रहते हैं अगर टैलेंट के बदौलत किसी ने नौकरी लिया था, कटड़िया दौड़ के यानी पुलिस का नौकरी लिया था, ये हमारा इतिहास है। इसीलिए लाइन कहा जाता है कि मटिया फोड़ के या कटड़िया दौड़ के। आज भी फुटबॉल खेलने वाले आपको विशेष सुबह उठकर ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात, जितने खिलाड़ी है, सीआरपीएफ बनना चाहते हैं, बीएसएफ बनना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, असम राइफल्स में जाना चाहते हैं, आईआरबी में जाना चाहते हैं, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, जेएफ, जेएमपी, जहां भी जाना चाहते हैं, कैसे जाइएगा? दौड़ के उड़ के जाइएगा यदि यहाँ। और मैक्सिमम जो यूथ होते हैं ना, जितना यूथ होते हैं, अगर उन यूथ से पूछा जाए कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, वो कहता है कि हमको फौजी बनना है। आज भी आप किसी भी नौजवान से पूछे कि तुमको क्या बनना है, वो पहला लाइन कहेगा हमको फौजी बनना है। जब वो बड़ा होगा तब बोलेगा कि हम टीचर बनेंगे। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि आज थोड़ा जमाना बदला है, आप क्या करते पता नहीं, इंडियन देखा है, मां तुझे सलाम देखा है, तिरंगा का असर है, यानी उसका ख्वाहिश था डिफेंस, तोड़ के तो नहीं जाएंगे, दौड़ के ही जाएंगे ना, तो फुटबॉल खेलिए ना, तो इसीलिए बोले ना मटिया फोड़ के, नहीं तो और साथ ही साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि खिलाड़ी गण बहुत दूर से आए हैं, बोलो उन्होंने ना लाया रे, उन लोग को थोड़ा दूर छोड़ना पड़ता है। एक बात याद रखना, बहन लोग को भी बोलेंगे, भाई लोग को भी बोलेंगे, जिंदगी में कुछ भी बनो, जिंदगी में जब आए हो जरूर कुछ बनो, दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन जो भी बनो याद रखना किसी एक फील्ड में नंबर वन बनो, कुछ भी रहे। अगर फुटबॉल खेलते हो उसमें भी बहुत सारा गोली है, स्ट्राइकर है, मिडफील्ड है, डिफेंस है, डिफेंस नंबर वन बनो, स्ट्राइकर नंबर वन बनो, किसी भी एक फील्ड में खुद को नंबर वन बनाओ, क्योंकि नंबर टू को लोग याद नहीं करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बेला में जितने भी लोग आए हैं, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा, आजादी कहां पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और साथ ही साथ खेल का मैदान है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बकायदा खेल का जो मैदान है, एक इंसान को कहीं ना कहीं अनुशासन सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है अनुशासन। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाए, वहां एक लाइन लिखा रहता है कि डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। अब किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अगर पढ़े होंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में वो लाइन आपको लिखा मिलता है कि डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट, यानी अनुशासन देश को महान बनाता है। और मैंने चूंकि मैं दो लोगों को मेरा भी जीवन में दो ही चीज का प्रभाव रहा है, एक अच्छा से पढ़ो और ग्राउंड में आगे खूब खेलो, तो दोनों जगह आपको अनुशासन सीखने को मिलता है। बकायदा खेल का मैदान आपको बहुत जरूरी बना के भेजता है। और साथ ही साथ मैं एक अपील, अंतिम शब्द कहते हुए आपको अपील करना चाहूंगा, क्योंकि खेल के मैदान में जब हम उतरते हैं तो जाहिर सी बात है, जब अपोनेंट टीम हमको गोल करती है तो थोड़ा सा हमें एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप बुद्ध नहीं है, यहाँ बैठे लोग बुद्ध नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं ना है कि काम क्रोध मोह माया को त्याग कर दिए हैं, ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, तो जब आपको उससे थोड़ी सी ईर्ष्या होती है तो ऑटोमेटिक आपको लगता है कि भैया इसको तो आप समझा देंगे,
इसको आप सिखा देंगे, ये हमको बोल किया है ना, हमको दो पग नचाया है ना, इसको सिखा देंगे, ऐसा ग्राउंड में आपको फील होता होगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि किसी को उत्तर देना पड़े, जवाब देना पड़े, तो गोल का उत्तर फाउल से मत देना, गोल का उत्तर गोल से देना। इस बात को ध्यान रखना कि खेल के अंदर आपका जो करैक्टर है वो अलग है, खेल के बाहर आपका करैक्टर अलग होना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं, आपने सभी ने सुना होगा क्योंकि सभी लोग कम से कम, अरे नहीं हो तो दसवां जरूर पढ़े हो, दसवां क्लास में चैप्टर है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पढ़े आप लोग शोभाई चूड़ा पाठ पढ़े थे ना तुम ही दादा पाठ पढ़े थे ए मोदपान ना करो एटा एटा बेकार चीज बोले। हाँ ठीक भालो, नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं आप लोग, दसवीं क्लास में एक चैप्टर है। खैर नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, उनके जीवन की कहानी बता रहा हूं। एक चूंकि नेल्सन मंडेला 28 साल एक जेल में थे कंटिन्यू, उसके बाद साउथ अफ्रीका के काले रंग के पहले राष्ट्रपति बने थे 300 सालों के बाद। छड़े दाव सुबह भालो मानुस बटे बॉस बैक बॉस बैक बॉस जा ऐ फोन के लाइक दिखा ऐ दिखे नहीं तो वो शायद नहीं लेकिन से। तो नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बन गए तो एक दिन एक रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन कर रहे थे, आप भी करते हैं होटल जाते हैं ना, कल आपको फैमिली के साथ जाते हैं तो बगल की कुर्सी में जब मंडेला बैठे तो बगल की कुर्सी में एक आदमी अकेले भोजन कर रहा था, मंडेला राष्ट्रपति थे, जाहिर सी बात है उनके पास बहुत भीड़ होगी, बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन बगल की कुर्सी में जो व्यक्ति अकेला बैठा था वो अकेले ही था, मस्ती से खा रहा था। तो मंडेला चूंकि बहुत सज्जन पुरुष थे, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, बोला ये अकेले भोजन क्यों कर रहा है भाई, इसे बुलाओ। मंडेला ने उसको अपनी कुर्सी में ठीक सामने बैठाया, सब खाना खाने लगे, जो भी परोसा गया दाल चावल रोटी तंदूरी बटर चिकन जो भी था उस समय। लेकिन जब वो व्यक्ति अकेला था तो बहुत मजे से खा रहा था, जखने मानुष चाहे अकला चिल्ला भालो को खाते थे, किंतु जब मंडेला की कुर्सी में बैठा थर 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 कांपने लगा, यार मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उसके सामने तो डरना नहीं चाहिए था, कि मंडेला के सामने कांपने लगा, वो अकेले, उसको अगर डर होना चाहिए तो अकेले कि भाई हम अकेले हैं, कोई मार ना दे कोई छीन ना ले, हम तो प्रेसिडेंट के सामने हैं, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, लेकिन वो कांपने लगा। भोजन किया वो चला गया, उसके जाने के बाद मंडेला के जो सहयोगी थे उन्होंने पूछा कि सर अकेला था तो मजे में खा रहा था, आपके सामने आया तो कांपने लगा क्यों, बोला सुनो मैं जिस जेल में कैदी था, मैं जिस जेल में कैदी था ये बंदा वहां का जेलर था, गांधी भी जेल में रहे हैं ना भाई, भगत सिंह भी रहे हैं ना, पंडित नेहरू भी रहे हैं ना, तो जो लोग भारत को आजाद कराए वो जेल में रहे हैं, तो खैर वहां आजादी का नहीं वो नस्ल भेद का मामला था। तो बकायदा मंडेला ने क्या कहा कि मैं उस जेल में कैदी था जहां वो जेलर था, हमको खूब पीटता था लात से जूता से हंटर से, और जब मेरे जिस्म पर जख्म आते थे, जब मेरे बदन पर कोई घाव आता था, ये इतना क्रूर था जेलर कि नमक डालता था या तो कभी मेरे जख्मों पर पेशाब कर देता था। आज चूंकि अब तुम प्रेसिडेंट है, मेरे द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री, मेरे अलावा इस कंट्री में कोई पावरफुल नहीं है, आई एम द सुप्रीमियर ऑफ द कंट्री। तो अब इसको लग रहा है कि जेल में इसने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूंगा, क्योंकि वो मामूली जेलर है, कहां घुसा देंगे किस जंगल में फेंकवा देंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन वो गलत सोच रहा है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बना। इसलिए जब भी खेल का मैदान हो या जिंदगी का मोड़ हो, जब बदले की भाव आए उसे कहीं गोल, गोल को उत्तर फाउल से, गोल को उत्तर गोल से देना।
आज अगर आपको किसी टीम ने हराया है, दो महीना की प्रतीक्षा करें, आप वहां उसको जाके मात दे, क्योंकि बदलाव करने वालों को दुनिया याद करती है, बदला लेने वालों को याद नहीं करती। इसलिए आज, और मैं चूंकि जानता हूं यहां जितने भी खिलाड़ीगण आए हैं, आपके वेशभूषा से, आपके रहन सहन से, मुझे लगता है, और मैं भी स्वयं को, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी जीएम सीएमडी के घर से, किसी आईएएस आईपीएस के घर से हमारा ताल्लुकात होता, तो हम कांड्रा मैदान में नहीं, हम स्पेन के किसी क्लब में खेल रहे होते। यानी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमें भाग जाना चाहिए। कभी कभी पैसों की तंगी, माता की बीमारी, पिता की नौकरी ना होना, भाई का सपोर्ट नहीं करना, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, तब हमें लगता है कि हमें इस मूवमेंट से, हमारा जो काम है उससे भाग जाना चाहिए। मैं एक लाइन कहूंगा, कह दिया है हमको, मैं आपके साथ हूँ। एक बार फिर से बोलो, तुम जो बात बोला एक बार फिर से बोलो, आप नेचुरल लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। भाई जो लोग सवाल करते हैं उनको एक नन्हा सा बच्चा उत्तर दे रहा है, पक्का ना साथ है ना, साथ टूटेगा नहीं ना, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं रहो सुनो, तो हम बात कर रहे थे, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सभी हमको लगता है मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे जीवन में बहुत सारा विघ्न, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और हमको लगता है कि जीवन में मेरी जो बाधाएं हैं वही सबसे बड़ी बाधा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जो भी है वो बेस्ट है। आपके पास ये जो पानी का बोतल है, और किसी के पास अगर मिल्टन है, तो मैं यही कहूंगा बहन, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर किसी के पास एडिडास के शू है, और तुम्हारे पास कोई नॉर्मल शू है, तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। किसी के पास अगर पुमा का बैग है, और तुम्हारे पास मैंने किसी मार्केट के फुटपाथ में लिया बैग है, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूँ। एक मजदूर हुआ करता था, यानी पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई काम करता है तो मजदूर करता है, और सबसे ज्यादा मजदूरी किसी को कम मिलता है तो मजदूर को मिलता है। तो एक मजदूर मजदूरी का काम कर रहा था, अपने जिंदगी से बहुत नाराज चल रहा था कि हमको मजदूर बन के नहीं रहना है। उसने बकायदा अपने ईश्वर को, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई भाई गुरु, कोई मरण गुरु, जो भी होता है अपने अपना याद करता है। उसने उसे याद किया, वो प्रकट हुआ, बोला बोलो क्या मांगते हो। बोला हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, हम घर जाएंगे, हमको जहां जैसा मूड होगा हम जो चाहेंगे बन जाना चाहिए। बोला सोच लो, तुम जो भी बनना चाहोगे हम तुमको बना देंगे, लेकिन दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। यानी जहां से तुमको हम लेके जाएंगे वो उस रोल में दोबारा नहीं लाएंगे। तो मजदूर क्या बोला पता है, कि हमको और दोबारा मजदूर काहे बनना है, ऐसे तो हम परेशान है। बोला सोच लो, उसके ईश्वर ने, अल्लाह, खुदा, भगवान, महाराज, गुरु, जो भी बोलो, उसने कहा सोच लो, दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। बोला नहीं बनना है हमको, जो अभी डिसाइड घर में करेंगे। तो उसका इच्छा था दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना, प्रेसिडेंट से भी पावरफुल। मजदूर घर आया, वो जैसे ही घर पहुंचा, उसके बगल से जैसे हमारे यहाँ विधायक सांसद का काफिला गुजरता है, 500 की काफिले के साथ मान के चले प्रधानमंत्री गुजरे, तुरंत याद किया कि आपने बोला था ना कि जो बनना होगा बना दूंगा, हमको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, हमको बना दीजिए। बोला ठीक है सोच लो, दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री बन जाता है, एक महीना प्रधानमंत्री बन के एंजॉय करता है। कौन वो मजदूर? जो मजदूर था वो एक महीना प्राइम मिनिस्टर बन के एंजॉय करता है, रैलियों में जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। अचानक एक दिन भाषण दे रहा है, जैसे हम दे रहे हैं, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे आती है,
एकदम पसीना चूने लगता है। बोला यार हम तो बोले थे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री होता है, इस सूरज का रोशनी तो उससे भी पावरफुल है, हमको पसीना पसीना कर दिया। बोले भगवान कहाँ है जल्दी आओ। बोला अब क्या हुआ। बोले हम बोले है ना हमको जो जो मन करेगा बनाना, हमको बोला ठीक है लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री और नहीं बनाएंगे। बोला हम क्या बनना है। बोला हमको सूरज बना दो ना। बोला ठीक है लेकिन दोबारा पीएम नहीं बनाएंगे। बोला आप कौन प्रधानमंत्री बने, हमको तो सूरज बनना है। बोला सोच लो। बोला सोच लिए। उसको प्रधानमंत्री से अब सूरज बना दिया गया। अब सूरज बन के एक महीना मजे में रहा, इतराया इठाया पैतरा किया, पूरा भूटानी किया। अब अचानक काला काला बादल आके सूरज का रास्ता रोक लेता है। बोबी बोलता यार हम तो सोचे दुनिया का सबसे पावरफुल सूरज होता है, करिया बदल मेरा रास्ता रोक लिया है। बोले किधर है, आ जा प्रकट हो, हमको अब सूरज बन के नहीं रहना।